हमारे साथ में हैं शिव नंदन गौतम जी हैं, जो नेपाल के लुम्बिनी के रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी वाइफ जो हैं डिप्टी चेयरमैन हैं और इन्होंने बाबा साहब को यहाँ पर नाम रोशन कर रहे हैं। इनके अकेले नहीं हैं, कम से कम हजारों की संख्या में हैं। हम कुछ इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, शिव नंदन जी से, जो यहाँ नेपाल के रहने वाले हैं और लुम्बिनी के। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम शिव नंदन गौतम है। मुझे लोग जो है गौतम भाई करके जो है मुझे पहचानते हैं। और मैं जो है एक पेशे से मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और हमारी फैमिली सब टीचर ही हैं। पिताजी भी टीचर हैं, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मैं खुद जो है टीचर ही हूँ। और बाबा साहब को मेरे पिताजी ने बताया था कि बाबा साहब न होते तो हम लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का जो है कोई अधिकार ही नहीं था। और नहीं, ये तो जैसे आप भारत में ऐसा था, आपके नेपाल में भी ऐसा था क्या? हाँ, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। नहीं, इंडिया का जो रूल होता है वही हमारे नेपाल में भी होता है, फॉलो ही होता है लगभग। अब 100% मान के चलिए इंडिया की ही रूल हमारे नेपाल में ही चलता है। लेकिन अब यही आके जो है नया संरचना में थोड़ा चेंज हुआ है कि मतलब नेपाल की कानून अपने तरीके से चल रहा है, और पहले तो इंडिया के ही सिस्टम से चल रहा था। तो उतने समय जो है पिताजी जो है पढ़े लिखे और हम लोग भी जो है पढ़ लिख के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वो जो है बाबा साहेब की देन है कि आज हम तथागत गौतम बुद्ध को भी पहचाने बाबा साहेब की वजह से। और तथा पहले हमारे मतलब जो हमारी ग्रैंड मादर थी वो जो है हिंदू रिलीजन को मानती थी, लेकिन अभी तो हम जो है जब से हमारी जो है पिताजी की जब से मतलब ज्ञान हुआ तब से हम जो है तथागत गौतम बुद्ध को मतलब बुद्ध रिलीजन को जो है मानने लगे हैं हम लोग। अच्छा, देखिए आपने यहाँ पर बाबा साहब का नाम लिया और यहाँ पर जय भीम के नारे आप लोगों के द्वारा ही यहाँ से हम देखा काठमांडू तक एक संगठन बहुत बड़ा आपने तैयार कर लिया है, और उस संगठन का लाभ आपको यहाँ पर मिला है क्योंकि आपकी वाइफ यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन हो चुकी हैं। जी, ये बाबा साहब की ही देन है। जी, बाबा साहब की ही देन है, उसमें कोई मतलब शक नहीं है। और बाबा साहब की वजह से आज हम लोग शिक्षित भी हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम संगठित भी हैं, उन्हीं की वजह से आज जो हम लोग है आगे जो है कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, अच्छा ये देखिए। हाँ, बोलिए सर। और हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं वो भी, हम मैं यही कहना कहूँगा कि हमारे जो लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म एक सत्य राह है। इस पे जो चलेंगे, जो इस पे चलेगा वही आगे बढ़ेगा। देखिए, हमें, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, किसी को मत देखिए, हमें देखिए। मैं एक जो है निम्न परिवार से था, आज कहाँ पे पहुँचा हूँ। हमारे समाज के लोग जितने हैं वो भी सत्य राह पे चले आए, वो भी आगे हमारे जैसे ही आएंगे। धन्यवाद। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आपने। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा आंबेडकरांचा विजय असो। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबा आंबेडकरांचा विजय असो। बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो। विजय असो। विजय असो। जय भीम।